जी व्यूअर्स, ये वो डाटा है जिसका उन्होंने वीडियो में जिक्र किया है कि जिसको वो करना चाह रहे हैं, एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, और उसको उनको क्या क्या प्रॉब्लम आया इसमें हम उनको बारी बारी देखेंगे। तो जिस वीडियो का उन्होंने जिक्र किया है उस वीडियो को भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप लोग वो भी देख सकते हैं, और उसमें भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन जो है वो बताए गए हैं। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसके हिसाब से इसको कर सकते हैं। आज हम इसके लिए एक न्यू मेथड यूज़ करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये ओरिजिनल फाइल है, तो इसी को मैंने यहाँ पे कॉपी करके थोड़ा सा इसका स्टाइल जो है वो चेंज किया है। तो इसको हम देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे एक बाई डिफॉल्ट जो है असेंबली उन्होंने बनाई हुई है, ठीक है, 3D2Bench करके लिखा हुआ है उन्होंने। और अगर हम यहाँ पे इसकी स्लोप देखें तो उन्होंने इसको 1:2 की स्लोप दी हुई है। तो हम इस असेंबली को दोबारा क्रिएट कर लेते हैं, इसको असेंबली मेथड से करूँगा मैं। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, ओके, इधर ही एंटर, ओके। इस लिंक को फिलहाल मैं एक दफ़ा डिलीट कर देता हूँ और इस असेंबली को जो है मैं नेम चेंज कर देता हूँ। तो कोई भी आप नेम दे लें, जो भी आपको अच्छा लगे, मैं जैसे इसको ओके करता हूँ। अभी ये वाला जो लिंक है ये लिंक विड्थ एंड स्लोप है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ पे लिंक विड्थ एंड स्लोप है, ये यहाँ पे अवेलेबल होता है यहाँ जनरल टैब में, यहाँ पे ये होता है लिंक विड्थ एंड स्लोप, ओके। मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ओके। इस लिंक की प्रॉपर्टी थोड़ी सी मैं मॉडिफाई करता हूँ और मैं इसको जस्ट विड्थ का नाम दे देता हूँ, और इसकी जो है यहाँ पे मैं विड्थ असाइन करता हूँ, ये मेरा 0.1 का टारगेट होगा। और यहाँ पे ये जो है इसकी स्लोप जो है वो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ। तो यहाँ पे ये लिंक लग गया है, और ये लिंक हम एज इट इज ले लेंगे जो उन्होंने ऑलरेडी बनाया, क्योंकि हमने इसी को फॉलो करना था। तो मैंने जस्ट थोड़ा सा मॉडिफाई किया है कि ये वर्किंग कैसे होगी। तो अभी मैं ये वाला जो लिंक है, ये वाला जो बनाया है मैंने, ठीक है, ये लिंक मुझे असेंबली में कहीं भी शो नहीं करना, कहीं मुझे इसकी सरफेस नहीं चाहिए, ये सिर्फ जो है मैंने अपने काम को कंप्लीट करने के लिए बनाया है। मैं जस्ट इसको 0 width के साथ इसी असेंबली में हाइड कर देता हूँ, ओके। जब आप इसको ओमिट को यस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है और अपने टारगेट के हिसाब से ये वर्क करता है। तो मुझे इसकी सरफेस क्रिएट नहीं करनी थी, इसलिए मैंने इसको हाइड कर दिया है। तो अभी हमने अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है। वीडियो को बिल्कुल गौर से देखें, कोई भी स्टेप मिस करेंगे तो आप ये काम नहीं कर सकते। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं इसके लिए एक कॉरिडोर क्रिएट करता हूँ। कॉरिडोर क्रिएट करने के लिए मैंने जस्ट इसको क्लिक किया है, यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट ग्रेड आ रहा है, मैं जस्ट इसको साथ में स्लोप भी लिख देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे असम्बली जो अभी हमने बनाई है हमने वही लेनी है, ये असम्बली बनाई है मैंने, यहाँ पे ये अलाइनमेंट है हमारे पास ऑलरेडी जिसपे उन्होंने सरफेस बनाई हुई है, ओके। इसके साथ ये प्रोफाइल एसोसिएट है, इसको मैंने रीनेम किया था, ओके। यहाँ पे ये जो है इसकी फ्रिक्वेंसी है, आपने इसको मिनिमम पे रखना है, जितनी एक्यूरेट आपको सरफेस चाहिए आप उसको इतना ही आप इसको इंटरवल इसका जो है वो माइनर रखें इसको, ओके। यहाँ पे ये जो है ये टारगेट की टैब है, टारगेट में आपने आ जाना है। तो सबसे पहले जो हमने जो क्रिएट की थी, ठीक है, जो लिंक क्रिएट किया था वो विड था, तो इसको ऑफसेट टारगेट हमने देना है यहाँ पे। तो ऑफसेट टारगेट इसका ये जो है यहाँ तक इसको लिंक हमें चाहिए वो वाला, ठीक है। और जो नेक्स्ट लिंक है वो हमें यहाँ पे जो है यहाँ तक हमें जो है अपनी सरफस बनानी है। मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ, ओके करता हूँ, और मैं इसको रीबिल्ड करके इसको बिल्ड कर देता हूँ, ठीक है, क्लोज। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वो सरफस है जो वो बनाना चाह रहे थे। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने इसको यहाँ पे स्किप नहीं करना है, अदरवाइज आपकी जो है वो सरफस एक्यूरेट नहीं आएगी। तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप इसलिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल एक्यूरेट लग रहा है, मगर इसके यहाँ पे थोड़ा सा टारगेट में यहाँ पे कहीं ना कहीं फर्क आता है। तो वो हम कैसे सेट करेंगे, सबसे पहले हम इसका सेक्शन व्यू चेक करेंगे कि हमारी ये जो कॉरिडोर बना है ये कैसा बना है।
तो सैंपल लाइन यहाँ पे, ये हमारी सरफेस है जो ऑलरेडी हाफ बनी हुई थी। ओके, पहले हम इसी को एज इट इज क्रॉस सेक्शन में जो है वो व्यू करेंगे कि ये कहाँ पे बनी है। ये सैंपल लाइन की विड्थ थोड़ी कम है, तो यहाँ पे मैं इसको शिफ्ट प्रेस करता हूँ और यहाँ से मैं इसको 220 कर देता हूँ ताकि हमारा थोड़ा ये सरफेस से बाहर आ जाए सेक्शन। ओके, तो यहाँ पे मैं क्रिएट मल्टीपल सेक्शन करता हूँ और यहाँ इनको मैं ड्राफ्ट व्यू में ही मैं इनको ड्रा कर देता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्रिएट क्रॉस सेक्शन। ओके, मैं यहाँ पे इनको ड्रा कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो सरफेस हमने व्यू की थी ये कौन सी सरफेस है। मैं इसको स्प्लिट करता हूँ यहाँ पे ताकि हमें ये दोनों साथ साथ नजर आते रहें कि ये क्या बन रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन व्यू आपके सामने है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो है हमारे पास ऑलरेडी जो सरफेस बनी थी, ये वाली जो सरफेस ऑलरेडी बनी थी। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इतनी सरफेस बनी हुई थी, ये राइट साइड की सरफेस है, अभी हम जो क्रिएट कर रहे हैं वो लेफ्ट की है। तो कॉरिडोर हमने क्रिएट कर लिया, सरफेस हमने अभी नहीं बनाई इसकी। तो मैं इस कॉरिडोर को पहले जो है इसमें ऐड करता हूँ और हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ये हमारा कॉरिडोर था, मैं जस्ट इसको अप्लाई करके ओके करता हूँ, यहाँ पे सेक्शन व्यू में ये अभी अपियर हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा लिंक जो है वो अपियर हो गया है, मगर यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ अगर आप देखें तो ये लिंक इस सरफस को थोड़ा सा सही टारगेट नहीं कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे इसको जूम करता हूँ यहाँ पे। ओके, और अभी मैं ये वाला जो मैंने कॉरिडोर बनाया है, मैं इसके एडिट में जाता हूँ यहाँ पे टारगेट्स। ओके, और ये वाला जो लिंक है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ये जो पॉली लाइन है, ओके, ये वाली जो पॉली लाइन 3D पॉली लाइन, इसको मैं टारगेट देता हूँ एलिवेशन में। ओके, तो ये शायद इसने लिया नहीं है, देखता हूँ लिया इसके नहीं लिया। ओके, तो इसको मैं एक दफा ऑर्डर में सेंड टू बैक करता हूँ। ओके, अभी मैं इसको टारगेट में जाता हूँ। ओके, टारगेट, ये प्रोफाइल टारगेट, इसका एलिवेशन टारगेट। ओके, तो ये जो लाइन है, ओके, इसको मैं इसको टारगेट देता हूँ। ओके करता हूँ, रीबिल्ड करता हूँ, आप लोग देखेंगे कि ये जो है ये अपडेट हो जाएगा। अभी यहाँ पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पूरा के पूरा जो है, अभी आप किसी भी सेक्शन में चेक करें, ओके, ये अभी पूरा मैच हो गया, किसी भी सेक्शन में चेक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये अभी जो है ये हमारे सेक्शन के साथ मैच हो गया है। अभी हमारी जो सरफस बनेगी वो बिल्कुल इंशाल्लाह एक्यूरेट बनेगी। तो इसकी सरफस कैसे बनानी है आप देखते रहिए वीडियो को, मैं क्रिएट करता हूँ इसको। यहाँ पे आपने इस कॉरिडोर को सेलेक्ट करना है, ओके, और यहाँ पे सर्फेस में जाना है, यहाँ आपने क्लिक करना है, और ये टॉप का लिंक था हमारा, इसमें मैं इसको यहाँ पे टॉप लिंक करता हूँ। ओके, यहाँ पे लिंक में जो है हमने इसको दो कोड दिए थे, एक P2 था और एक P1 था, वन था और P2 था। ये बाई डिफॉल्ट P2 आ रहा था तो मैंने इसको वन कर दिया था, ये ऑलरेडी P2 पे ही था तो मैंने इसको एज इट इज रहने दिया था। यहाँ पे मैं इसको ओके करके रीबिल्ड कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सरफस हमारी बन गई है, मगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा ट्राइंगुलेशन आई है इनर साइड में। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्राइंगुलर बेसिक चीजें हैं, ये कोई भी आप जो वर्किंग कर रहे हैं आप इसको इजीली डिलीट कर सकते हैं, इसकी बाउंड्री बना सकते हैं, किसी भी मेथड से आप इसको जो है वो डिलीट कर सकते हैं। तो हम किसी एक सेक्शन व्यू में इसको डिलीट करके देख लेते हैं, जैसे ये 60 का सेक्शन है, या थोड़ा आगे ले जाते हैं इसको, 200 है। ओके, तो ये जो 200 का सेक्शन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको, ये कौन सा सेक्शन है, 80 और 100 का सेक्शन है, यहाँ पे ट्राइंगल थोड़ी कम ही है जो डिलीट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये सरफस है और यहाँ से आपने इसके ट्राई एंगल डिलीट करके देख लेना है यहाँ से। ओके, तो मैं यहाँ से इसको ओके, यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ। ओके, ये एक्स्ट्रा ट्राइंगुलेशन है, ये लाइन जो है ये हमारा लिमिट है, ये वाली जो लाइन है मजेंडा लाइन जो नजर आ रही है ये हमारी लिमिट है। ओके, और यहाँ पे मैं इसको ओके, यहाँ से हो गया, और यहाँ से भी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके,
यहाँ से अभी जो है वो हमारा सेक्शन क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारे स्टेशन है तकरीबन 80 और 100 का स्टेशन बन रहा है। तो हम देख लेते हैं 80 और 100 का स्टेशन कहाँ पे आ रहा है। जैसे ये 100 और 80 के स्टेशन है तो यहाँ पे हम जूम करके अभी इसको देख लेते हैं क्या ये वाकई क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो किसी भी सैंपल लाइन को आप यहाँ पे सैंपल मोर सोर्सेस और ये सरफेस जो भी हमारी बनी है हमने इसको ऐड करना है। ये सरफेस है हमारी, इसको मैं यहाँ पे ये स्टाइल असाइन कर देता हूँ, मैं अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सरफेस यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेटली जो है जहाँ से ये स्टार्ट हो रही थी वहाँ से स्टार्ट हो गया और यहाँ पे ये एंड हो गया हमारा जहाँ पे टारगेट था। तो अभी हम इसकी स्लोप चेक कर लेते हैं कि ये स्लोप जो है वो इसकी सही आई है कि नहीं। हमने 1:2 असाइन की थी इसकी स्लोप, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके अप्लाई, ओके ओके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1:2 जो है इसकी स्लोप जो हमने असाइन की थी असेंबली में, यहाँ पे ये हर एक के साथ ये लेबल भी असाइन हो गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ओके जहाँ पे ट्राइंगुलेशन अभी हमने डिलीट नहीं की है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वही चीज यहाँ पे शो हो रही है। तो आपने अपना ट्राइंगुलेशन जो है वो डिलीट कर लेना है। अभी अगर आप यहाँ पे इसका सरफेस दोनों सरफेस का आप व्यू चेक करें यहाँ पे, ओके यहाँ पे आप व्यू चेक करें तो आपको बिल्कुल जो है वो एक्यूरेटली जो है यहाँ से यहाँ से यहाँ से चलती हुई दिखाई देती है। ये सिर्फ वो ट्राइंगुलेशन है जो एक्स्ट्रा है, ये आप अपनी मर्जी से डिलीट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये वर्किंग आप कैसे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।